नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन की। विद्यार्थी लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार की रोजगार नीति का, और आज शाम को 5 बजे विद्यार्थियों को थाली और ताली बजाना था। वो तो लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में, बहुत सारे अलग अलग शहरों में आज विद्यार्थियों ने ताली और थाली बजा करके अपना स्वाभिमान प्रदर्शित किया और सरकार से रोजगार की मांग की और कहा कि सरकार को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और इसकी जो गूंज है वो सरकार के कानों तक पहुँचनी चाहिए। और वास्तव में विद्यार्थियों ने आज ऐसा किया भी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं। शंख बजाते समय, थाली बजाते समय ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि विद्यार्थियों के साथ में उनके अभिभावक भी आज साथ दे रहे थे। और यहाँ पर इन पोस्टर बैनर्स में लिखा हुआ कि बेरोजगारी पर विचार करे सरकार, मैं भी बेरोजगार हूँ। और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यार्थी ये देखिए थाली बजा रहे हैं और पोस्टर बैनर से अपना विरोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों से मेरे पास आई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी कितने अच्छी तरीके से, कितने उत्साह से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। मिलाकर के विद्यार्थियों का जो आज विरोध प्रदर्शन था वो 100% सफल रहा। 100% विद्यार्थियों ने दिखा दिया कि उनके अंदर कितना गुस्सा है। सोशल मीडिया से निकल करके विद्यार्थी सड़क पर आ चुके हैं। अब इसके पहले क्या क्या होगा सरकार को सोच लेना चाहिए। विद्यार्थियों की जो जायज़ मांगे हैं वो बिल्कुल उनको मानना चाहिए, चाहे वो RRB NTPC के एग्जाम डेट की बात हो रही हो, चाहे वो UP SSC के लंबित परिणाम की बात हो रही हो, चाहे वो TGT PGT की नई भर्ती की मांग की बात हो रही हो। उपाध्यक्ष प्रत्याशी TD कॉलेज बलिया, मेरा नाम रोहित सिंह माही। आज क्या मामला है जो आप लोग ताली और थाली बजा रहे हैं? भारत सरकार जो मोदी सरकार है वो मनमोदी सरकार हो गई, उनके वादे कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। आज टीचर दिवस के अवसर पर हम छात्रों ने ताली और थाली बजाकर सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर फार्म भरवाया जाए तो परीक्षा करवाया जाए, एडमिट कार्ड निकलवाया जाए तो एग्जाम करवाया जाए, अगर परीक्षा करवा कर रिजल्ट निकलवा रहे हैं तो ज्वाइनिंग करवाया जाए, नहीं तो सभी बच्चों को बेरोजगार का सर्टिफिकेट दिया जाए। हम थाली और चम्मच से और घंटी। तो विद्यार्थियों की केवल एक परीक्षा को लेकर के मांग नहीं है, विद्यार्थियों की मांग है कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं तो उनका परिणाम हो, और जिनका परिणाम आ चुका हो तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी की जाए, जो खाली पद हैं उनको भरा जाए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर सब चीज़ें हों। तो नौकरी दो, नौकरी दो, मन की बात बहुत हो गई, लोग बेरोजगार हैं। नियुक्ति दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि विद्यार्थियों के परिजन भी साथ में थे, बच्चे भी साथ में थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थीं। ये हो गया आज का वीडियो, और आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल दी जाएगी और बताया जाएगा कि अब छात्रों की अगली रणनीति क्या है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।